तो इन्होंने बनाया है आज ये काला चिकन। ये एकदम भरा भरा सा लग रहा है। तो देखिए भी काला काला में जाए भी लोग काला चिकन। घर का पोछा जो है ना वो बियान ही लगा रहा है। देखो बियान से हम लोग इतना काम कराते हैं, कितना काम कराते हैं बियान से हम लोग। ये वो बोल रहे हैं यहाँ पे बाप रे कितना काम कर रहा है बियान। क्लीन हो गया, थैंक यू। और करना है तो मैं अभी पोछा लगा रही थी, सारे रूम में मैंने पोछा लगा दिया, बस यही वाला रूम बचा है। और इनको जल जल कर दी चीज भी। और इनको अभी पोछा लगानी है, जिद कर रहा था तो मैंने दिया। मैं हूँ आमदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है संडे और अभी अभी जस्ट मैं नहा धो के आ गई हूँ, आज मैंने शैम्पू भी कर लिया है। और आज ना शैकत ने हमारे लिए कुछ स्पेशल सा बनाया है जो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले ना ये जो बेड है ना इसको मैं इसके ऊपर मैं बेडशीट बिछाती हूँ क्योंकि आज बेड वगैरह सब कुछ वॉशिंग मशीन में डाला है, तो अभी बेड बना लेते हैं। चलिए बेडशीट मैंने बिछा दिया है और वियान वहाँ पे देख रहा है टीवी, उसका खाना हो चुका है। और शैकत है किचन में क्योंकि संडे है ना, तो संडे को कुकिंग जो है ना वो शैकत ही करता है। अगर कुछ और नहीं होता है, मतलब कुछ कोई गेस्ट वगैरह अगर आता है ना तो फिर मैं करती हूँ, वरना नॉर्मल अगर कुकिंग होता है ना तो संडे का कुकिंग शैकत ही करता है। तो आज उन्होंने बनाया कुछ स्पेशल सा डिश, उनसे ही सुनते हैं। चलिए क्या बनाया आज? आज एक्चुअली चिकन लाया था तो मैंने कुछ नया ट्राई किया है। क्या है नाम, क्या है वो? एक्चुअली सर कुछ नाम तो है नहीं, तो देखने में काला काला में दैट्स मीन वो काला चिकन। काला चिकन बनाया है शेखत ने। एक्चुअली वो अभी सैलड काट रहे हैं, मैंने उसमें कोई मसाला यूज नहीं किया है। और सबसे अच्छी बात है इन्होंने एक चम्मच ऑयल में खाना बनाया ना, एक चम्मच ऑयल में चिकन बनाया। तो इन्होंने बनाया है आज ये काला चिकन, कलर कुछ ऐसा लग रहा है लेकिन इन्होंने बनाया ना तो मेरा ट्रस्ट है कि अच्छा ही होगा क्योंकि ये खाना बहुत अच्छा बनाता है। तो ये है काला चिकन जो अभी ये ऐसा दिख रहा है, तो बियान का अलग से है इसलिए हम दोनों का है। यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमें एक चम्मच से बना हुआ चिकन। तो मैं ना रेसिपी सुन के आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और अभी यहाँ पे बियान को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं ये, और लेकिन बहुत ज्यादा तीखा बनी थी चिकन क्योंकि डल्ले खुर्सानी हमारे घर में रहता ही है डल्ले खुर्सानी, तो डल्ले खुर्सानी को इन्होंने चॉप करके चिकन में डाल दिया। तो सोचो डल्ले खुर्सानी कितना ज्यादा तीखा होता है। मुझे और शायद तो डल्ले खुर्सानी पसंद है लेकिन हम लोग ना साबुत खाया करते हैं, किसी भी चीज खा रहे हैं चावल के साथ तो एक ले लिया या फिर दोनों हाफ हाफ कर लिया कुछ ऐसे खाते हैं। लेकिन कभी भी मैं डल्ले खुर्सानी को सब्जी में नहीं डालती क्योंकि वरना सब्जी बहुत ज्यादा तीखा हो जाता है ना। तो आज इन्होंने डल्ले खुर्सानी डाल के चिकन बनाया तो बहुत ज्यादा तीखा लगा लेकिन अच्छा था। और मैं ना कभी आप लोगों के साथ ये जो रेसिपी है ना वो जरूर शेयर करूंगी।
संडे है इसलिए रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि संडे के दिन ना घर में रहने का उतना ज़्यादा मन नहीं करता है और पूरा दिन ऐसे बारिश वगैरह होता है, तो इसलिए दिन के टाइम हम लोग नहीं गए। अभी जैसे वेदर अच्छा है तो हमने सोचा कि बाहर चले जाते हैं, और कुछ काम भी था। यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही थी तो मैंने देखा कि ये जो लिपस्टिक है ना ये टूट गया, तो मैं कैसे भी करके ये जो शेड है ना ये अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये वाला शेड। और रेडी होके हम लोग निकल गए बाहर और हमने सोचा कि सिटी सेंटर की तरफ जाते हैं क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है, विहान का बर्थडे आ रहा है ना, तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए पहुँच गए। और संडे के दिन सिटी सेंटर में बहुत ज़्यादा रश होती है, वरना वीकडेज पे आओ तो खाली ही मिलेगा आपको बिल्कुल। और आते ही विहान को कुछ ना कुछ एक तो राइड करना ही है, ये उसका मतलब होता ही है। वो अगर शॉपिंग मॉल आया है दैट मीन्स उसको एक बस राइड करना है, उसके बाद वो जिद भी नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो आज उसका मन था कि उसको ट्रेन पे चढ़ना है। घर से वो बोल के गया था कि मम्मा मुझे ट्रेन चढ़ना है वहाँ पे जाके, तो बस ट्रेन चढ़ा दिया, वो भी खुश। और उसके बाद कोई भी और जिद नहीं करता है बच्चा। विहान का राइड वगैरह फिनिश होने के बाद मैं गई थोड़ा सा शॉप के अंदर, मैं गई फर्स्ट शॉपर स्टॉप थोड़ा सा चेक करने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश थी शॉपर स्टॉप में और बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे थे, 20%, 30%, 50% कुछ ऐसे। और मैं सीधा आ गई विहान के लिए कपड़े देखने के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे आउटफिट अभी तक हमें मतलब कुछ सूझा नहीं। तो यहाँ पे ना नॉर्मल सा देख रही हूँ क्योंकि सारे वुमेन कलेक्शन में बहुत ज़्यादा ऑफर था, और ये मैं हूँ अभी जीनी एंड जॉनी में। जॉनी में आउटफिट कलेक्शन जो है ना वो अच्छे लग रहे थे और कुछ पसंद भी आए, लेकिन बर्थडे में मैंने जो ऐसा सोचा है वैसा कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं कुछ ओवर भी नहीं कर सकती हूँ, समर के टाइम है तो उसका कंफर्ट भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हल्का पतला सा लेकिन थोड़ा सा बर्थडे स्पेशल लगे वो कुछ ऐसा। और ये वाला टी शर्ट ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ देर पहले हम लोग आए हैं घर, हम लोग ना गए थे सिटी सेंटर, और संडे के दिन सिटी सेंटर अगर जाओ ना तो आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगा, लेकिन अगर आप वीकडेज पे जाओ तो आपको खाली ही मिलेगा, लेकिन संडे के अलावा उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता ना। आज मैं बेसिकली सिटी सेंटर गई थी विहान के लिए बर्थडे आउटफिट लेने, जो कि मुझे नहीं मिला। मैं गई थी जस्ट फॉर किड्स, फिर फर्स्ट क्राइम बंद हो गया था पहले ही, हम लोग थोड़ा सा लेट कर गए। और फिर मैं गई थी जीनी एंड जॉनी और फिर मिनी क्लब, मिनी क्लब में तो नहीं, मतलब जीनी एंड जॉनी में थोड़ा बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन फिर भी वैसा कुछ नहीं कि बर्थडे था कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला। और आज मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि काश विहान लड़का ना होके एक लड़की होती तो कितना मजा आ जाता, क्योंकि इतने सारे गर्ल्स के लिए आउटफिट जो थे ना इतने बढ़िया बढ़िया कलेक्शन थे, इतना पसंद आया ना मुझे। और बॉयज के लिए अगर खरीदने जाओ ना तो सिर्फ वही है, टी शर्ट हो या फिर शर्ट हो और नीचे शॉर्ट्स या फिर ट्राउजर, बस दैट्स इट। शेखत को मैंने कहा तो शेखत ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इस बार बर्थडे पे ना विहान को हम लोग लड़की सजाते हैं, लड़की के आउटफिट पहनाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं करूंगी मैं। तो बाकी सारे जगह पे अभी जैसे सेल चल रहा है और शॉपर स्टॉप में तो जैसे मेला लगा हुआ था, वुमेन की कलेक्शन जो है ना वो शॉपर स्टॉप में जो देख के आई ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे, लेकिन अभी मुझे कुछ लेना नहीं था तो मैं होम सेंटर भी गई थी, ऐसे ही मैं घूम रही थी तो ऐसे सारे दुकान के चक्कर में मार रही थी। और ना लास्ट टाइम मैं जब सुपर 99 में गई थी मुझे कुछ ढंग का नहीं मिला था, लेकिन आज ना सुपर 99 गई थी तो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आ गया, वो है ये। जी हाँ, आज मैं ये सब शॉपिंग करने नहीं वाली थी, विहान के लिए गई थी लेकिन विहान के लिए तो आउटफिट नहीं मिला। तो इस बार ना सुपर 99 में काफी सारे कलेक्शंस आ गए थे तो मुझे ये पसंद आ गया। ये है एक फेक प्लांट, तो फेक प्लांट ना हमेशा कुछ ऐसा लीजिए ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। ये प्लास्टिक का है लेकिन लग रहा है ये सिरेमिक का, और ऊपर का जो ये प्लांट है ना ये थोड़ा बहुत ये नेचुरल लुक दे रहा है। तो कुछ फेक प्लांट्स ऐसे भी होता है ना कि एकदम ही लगता है कि वो फेक है, वो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल गंदा सा लगता है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा लो जो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे ना तो वो अच्छा लगता है। ये एकदम हरा भरा सा लग रहा है तो मुझे ना ये पसंद आ गया, और इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं, 289 रुपीस लिया है, सो ये मैंने लिया है। और एक चीज मैंने और लिया है जो मुझे ना चाहिए था काफी दिनों से, मैं मिनीसो गई थी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वो चीज मिनीसो से लिया था। ये है एक एडिसिव हुक, तो ये अप टू 2 kg ये
जो है ना वो हैंडल कर सकता है, तो कुछ ऐसा। तो इस बार ना मुझे ये डिजाइन वाला लेना पड़ा, मुझे सिंपल प्लेन वाला अच्छा लगता है, लेकिन वो मैंने लास्ट टाइम मिनीसो से लिया था, इस बार मिनीसो भी वैसा नहीं है सिंपल प्लेन वाला, वहां पे भी डिजाइन है, तो फिर ये मैंने 99 सुपर 99 स्टोर से लिया है, तो ऐसा ही मिला, इससे ज्यादा सिंपल तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो यही मैंने ले लिया। बहुत कुछ हैंग करने में ना ये चाहिए होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा कीले ठोक नहीं सकते, और चाहिए होता है जैसे किचन में मुझे एक किचन टॉवल रखना है मेरे हाथ पोंछने के लिए, तो उसको हैंग करने के लिए ये चाहिए मुझे, तो 3 का ही मैंने सेट लिया है। इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं लिया है, आई थिंक ये 79 रुपीज लिया है, 79 रुपीज में 3 ऐसे एडिसिव आता है। अगर आपका लिप्स डार्क है ना, देन आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। सो ये आप यूज कर सकते हो, ममार्थ का विटामिन सी 100% नेचुरल लिप केयर किट। सो ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं आज से नहीं काफी महीनों से मैं इसको यूज कर रही हूँ, और ना इसमें 2 चीज है एक साथ, यहाँ पे है लिप स्क्रब, तो यहाँ से आप ओपन करोगे, सो दिस इज द लिप स्क्रब, और फिर यहाँ से अगर आप ओपन करोगे, सो दिस इज द लिप मास्क। और ये लिप मास्क की मैं बात स्पेशली करूंगी, ये जो लिप मास्क है ना वो आपके लिप्स का जो डार्कनेस है वो ऑलमोस्ट 100% ये रिड्यूस कर देगा, एंड आपके जो लिप्स है ना वो नेचुरली पिंक एंड प्लम लगेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं ना, जैसे मेरी ये ड्राई लिप्स का प्रॉब्लम है, चाहे वो समर हो, विंटर हो, मानसून हो, कोई भी सीजन हो, मेरे लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, मुझे हमेशा लिप बाम अप्लाई करके रखना पड़ता है। तो ये लिप मास्क अगर मैं अप्लाई करती हूँ ना, जो वो ड्राई लिप्स होते हैं ना, जो फ्लेकी वाले लिप्स होते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड प्लम हो जाते हैं। और ये जो लिप स्क्रब है ना, इसको लेके आपको आपके लिप्स में जेंटली स्क्रब करनी है, जेंटली सर्कुलर मोशन में, ये अच्छे से आपके लिप्स को जो है ना उसका ड्राइनेस फ्लेकीनेस अच्छे से रिमूव कर देगा। तो उसके बाद मैं ले रही हूँ एक कॉटन पैड और इसको रिमूव कर रही हूँ, और ये लिप स्क्रब को रिमूव कर रही हूँ अपने लिप्स से। और ये जो लिप स्क्रब है ना, ये आप डेली बेसिस में यूज मत कीजिए, इसको वीकली 1 से 2 बार मैं यूज करती हूँ, तो उतना ही यूज कीजिए, और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ये जो लिप मास्क है ना ये। सो ये लिप बाम नहीं है, लिप मास्क है, तो ये थिन सा लेयर आपके जो लिप्स में है ना वो आ जाता है, तो ऐसे मैं अप्लाई कर लेती हूँ। और इसमें ना थोड़ा सा टिंट दिया गया है, टिंटेड लिप मास्क है, सो हल्का सा एक कलर भी आता है आपके लिप्स में। और ये जो लिप मास्क है ना, ये आप नाइट टाइम में यूज कीजिए और लगा के आप सो जाइए, एंड सुबह उठ के देखना कि आपके जो ड्राइनेस है ना लिप्स में, अगर फ्लेकीनेस है वो सब कुछ रिमूव हो जाता है, और लिप्स ना इतना अच्छा सॉफ्ट एंड प्लम हो जाता है, मैं क्या बताऊँ। और ये लिप मास्क आप नाइट टाइम के साथ साथ डे टाइम में अगर आप घर के अंदर रह रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी है। और इस लिप मास्क को अप्लाई करके अगर आप बाहर जाते हो तो लिप के ऊपर आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी है तो सन के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए बेटर है अगर आप घर में रहे तो ही आप ये लिप मास्क जो है ना वो डे टाइम में यूज कीजिए। और लिप्स के डार्कनेस रिमूव होने के बारे में जो मैं बात करी थी ना, वो एक दिन में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आप यूज करेंगे ना तो आप खुद ही एक विजिबल डिफरेंस आप नोटिस करोगे, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इसको काफी दिनों से यूज किया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस लिप केयर किट। और जैसे कि आपको पता है कि ममार्थ के सारे प्रोडक्ट्स दे आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड दे आर ऑल नेचुरल, और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे अमेज़न, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल एंड ममार्थ.in एंड ममार्थ के ऐप में। और अगर आप ममार्थ के वेबसाइट और ऐप से ये या फिर कोई भी ममार्थ के प्रोडक्ट परचेस करते हो ना, देन आप मेरे कूपन कोड यूज कर सकते हो, जो कि मैंने स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, और इस कूपन कोड को यूज करके आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ ऑन योर परचेस। और आप जब भी ममार्थ के वेबसाइट से कुछ भी परचेस करोगे ना, तो वो आपके ऑर्डर के साथ एक ट्री को लिंक करेंगे जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया है, और बाय द ईयर 2025 ममार्थ ने एम किया है 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करना। और ममार्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, इनका खुद का ऐप भी है, और ऐप को अगर आप यूज करते हो ना तो ऐप के यूजर्स को मिलता है अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। और हाँ, ममार्थ के प्रोडक्ट अभी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन आपके नियरेस्ट स्टोर में भी अवेलेबल है। और अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज व्यान का स्कूल है, और आज पता है व्यान का एग्ज़ाम भी है, और ये फर्स्ट टाइम है जो व्यान अभी रिटन एग्ज़ाम देने वाला है। पहले तो ऐसे ट्रेस वगैरह वो लोग कराते थे, लेकिन आज फ्री हैंड राइटिंग भी होगा उन लोगों का, तो मैं वही सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या करेगा, और उसके लिए ही मैं टिफ़िन बना रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि पनीर का पराठा बना देते हैं, व्यान का फेवरेट, तो ये बनता ही है ऑलमोस्ट वीक में एक बार तो बनता
बनता ही है अभियान के लिए क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पनीर मैं हमेशा ही ना जब स्टोर करती हूँ तो ऐसे पानी के अंदर डुबो के मैं स्टोर करती हूँ। ऐसे करके पनीर ना आप बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हो। और फिर मैं आटा यहाँ पे लगा रही हूँ, तो आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया क्योंकि हमारे भी चल जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि हमारे लिए ब्रेकफास्ट में रोटी बना लूँ। और थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के ये मैंने एक अच्छा सा डो बना लिया है। और पनीर को मैंने पहले ही काट के साइड में इसलिए रखा है क्योंकि पानी में डुबोया था ना, और जब इसको कट करोगे तो उससे ना पानी निकलता है थोड़ा सा, तो अभी मैंने पानी को फेंक दिया है। और इसको आप ग्रेट कर सकते हो पनीर को, या फिर मैं हाथों से ही तोड़ना प्रेफर करती हूँ, तो मैं हाथों से तोड़ रही हूँ। मैश एकदम से नहीं करना है, जस्ट तोड़ लेना है हाथों से। तो मैं यहाँ पे अदरक थोड़ा सा घिस के डाल रही हूँ, थोड़ा सा अदरक चाहिए इसमें, ज़्यादा मसाले वसाले मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती हूँ। नमक डालती हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और ब्लैक पेपर पाउडर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ज़रूर से डालना, अच्छा लगता है। और धनिया पत्ता मेरे पास नहीं था, अगर होता तो धनिया पत्ता इसमें ज़रूर डालना, ज़्यादा करके डालना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। लेकिन धनिया पत्ता नहीं है, तो बस इसको ही मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। और ये जो मिक्सचर है ना, स्टफिंग का मिक्सचर पनीर वाला, वो रेडी है बिल्कुल। और अभी मैं उसके लिए पराठे जो है ना वो बना रही हूँ। और दोनों साइड से पराठे को मैं हल्का सा घी से सेक लेती हूँ, घी से ही सेकती हूँ मैं पराठे। और ये देखिए पराठे रेडी है, तो चलिए अभी टिफिन बॉक्स पैक कर लेते हैं अभियान के लिए। मैंने दे दिया एक पराठा और एक ऐसे पीनट चिक्की, वो मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो वो भी एज अ स्नैक वो खा लेगा, उसको अच्छा भी लगता है और बच्चा खुश भी हो जाता है अगर कुछ मीठा मिलता है। तो बस ये गया अभियान का टिफिन बॉक्स रेडी। तो चलिए अभी मैं हमारा जो ब्रेकफास्ट है ना वो बना लेती हूँ। ठीक है, साथ तो कुछ तो बनानी होगी। तो फ्रिज में देखा कि ये जो स्नेक गुड है ना, ये ऐसे ही सड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसी को बना लेते हैं वरना ये और ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको मैंने चॉप कर लिया, कुछ ऐसे मैंने चॉप किया है, और इसको ना बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसको हम लोग भाजी बनाएंगे, तो कैसे मैं भाजी बनाती हूँ इसका वो मैं दिखाती हूँ। ऑयल डाल दिया, और ऑयल में आपको डालनी है कलौंजी, कलौंजी थोड़ा सा डालो, और जब कलौंजी चटक जाए उसके बाद आपको इसमें डालना है थोड़ा सा प्याज। थोड़ा सा प्याज को हल्का सा भून लीजिए, और भूनने के बाद आपको इसमें ना वो स्नेक गुड जो आपने काटा है वो डाल देना है यहाँ पे। एंड उसके बाद इसमें कुछ नहीं, जस्ट हल्दी नमक मिर्ची वो डालना, और इसको ना ढक ढक के पकाना, वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा। और बीच बीच में चलाते रहिए, तो फिर अच्छे से ये भाजी जो है ना वो बन जाएगा। हमारे घर में तो सबको ही अच्छा लगता है, बयान को भी अच्छा लगता है ये भाजी, शेखत को भी पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसको ना हम लोग चावल रोटी किसी के साथ भी खाते हैं, तो आज जैसे रोटी के साथ खाएंगे। और ये कुछ देर में बन भी जाएगा, तो ये देखिए ये बन गया है भाजी, और इसके साथ में मैंने रोटी भी बना लिया है। और गाइस इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो करती हूँ ख़त्म। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।